सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी फोन पे चलाते हो और आप लोग जानना चाहते हो कि फ़ोन पे से क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर कैसे चेक करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को दो तरीके बताएंगे क्रेडिट स्कोर चेक करने के, जेन्युइन तरीके होंगे चेक करने के, और दोनों फ़ोन में आपको सैंपल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ठीक है। क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आप लोग अपना फ़ोन पे इस तरीके से मैनुअल तरीके से ओपन करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे, मेरे पास दूसरा फ़ोन है और आपको दूसरा फ़ोन, दोनों फ़ोन को मैं लाइव दिखा रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे साइड में एक ऑप्शन देख रहा हूँ होम का और यहाँ पे क्रेडिट का, तो यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक करेंगे लेकिन यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी मैं बताएंगे कैसे उसको एक्टिवेट करना है। इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। चेक नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आपका क्रेडिट स्कोर कुछ इस तरीके का दिखाया जाएगा, ठीक है। मेरा क्रेडिट स्कोर कुछ इस तरीके का दिखाया जा रहा है, एक्सीलेंट देखने मिलता है, ये अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, ठीक है। आप लोग पैन कार्ड लगाइएगा या फिर आधार कार्ड लगाइएगा, आधार कार्ड से वेरीफाई होगा और आपका क्रेडिट स्कोर इस तरीके से चेक करा दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको अब नया तरीका दिखाने का प्रयास करेंगे। अब आपको इस तरीके से इस पर नहीं दिखना देखने मिलता तो नीचे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है क्रेडिट स्कोर का, ठीक है। क्रेडिट स्कोर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे या फिर सिविल स्कोर पे क्लिक करेंगे, जो भी इस ऑप्शन मिल रहा है उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस फ़ोन में नहीं है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस फ़ोन में नहीं है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे इस फ़ोन में आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस फ़ोन में मैं आपको किस तरीके से दिखाएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, मैं इसको पहले मिनिमाइज करेंगे। अब आपको क्या करना, प्ले स्टोर एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन करेंगे, मैं इस फ़ोन में दिखा रहा हूँ, और इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करेंगे फ़ोन पे, ठीक है। फ़ोन पे टाइप करेंगे और फ़ोन पे टाइप करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, फ़ोन पे टाइप करेंगे और फ़ोन पे टाइप करने के बाद सर्च कर देंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका फ़ोन पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका फ़ोन पे अपडेट है तो अपडेट मांग रहे, तो आपको इस तरीके से अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो चेक करते हैं सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं, मैं आपको लाइव दिखाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब ऑप्शन आने लगेगा, अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपका शो हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखने मिलता है होम क्रेडिट, आपको क्रेडिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, वहाँ पे चेक योर क्रेडिट स्कोर, इसके बाद यहाँ पे देखने मिला है क्रेडिट स्कोर, इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद आप लोग क्या करें, इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है चेक, इस पर क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है, इसके बाद यहाँ पे फिर से इसको अलाउ करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चेक क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलता है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है पैन कार्ड नंबर, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी फिलअप होगी आपको यहाँ पर डालेंगे, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। सो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे, पैन कार्ड नंबर, फुल नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, इसके बाद आपको नीचे आना, इस पर राइट करेंगे और यहाँ पे देखने को मिल जाता है आप लोग जैसे कि क्रेडिट स्कोर, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है, इसलिए आपका नंबर यही है, ठीक है, तो आपको इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है। इस पर एक OTP आएगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे, OTP ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप कर लिया जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग अपनी बैंक को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी बैंक होती है, मैं यहाँ पे इंडियन बैंक सर्च कर लेता हूँ, IND इंडियन बैंक यहाँ पर आ जाती है। इसका थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आपको क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर यहाँ पे चेक करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।